वेरी रॉन्ग, यहाँ बहुत गलत हो रहा है। यूनेस्को डिपार्टमेंट इज आवर रिक्वेस्ट, प्लीज टेक योर मॉन्यूमेंट। जो भी यहाँ चल रहा है बहुत गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही रोमांचक हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एक्चुअली क्या था, जो हमारे अकबर थी ना, तो उनकी हाइट कम थी, 5 फीट के थे। तो हम आ गए हैं सिकंदरा, तो इस बात पे लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो यार, तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो। अब आ गए हो तो कर ही दो, तभी आगे जाना। कर दो कर दो। Hey you guys, welcome to our vlog. Mr. and Mrs. Ahuja, I hope you are doing fine. तो लीजिए, आज हम आपको घुमाने आए हैं अकबर टॉम, जिसे बोला जाता है अकबर का मकबरा, वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट इन सिटी ऑफ ताज, आगरा। और इसको बने हुए 400 ईयर हो चुके हैं। अकबर टॉम और अकबर का मकबरा इसे बोला जाता है, ये सिकंदरा में ही है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं, और हम आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। तो आप मेरे पीछे खंडर देख पा रहे हैं, उसको बोला जाता है सिकंदरा लोदी महल। अकबर से पहले यहाँ पर सिकंदरा लोदी आए थे, जिन्होंने अपने नाम से सिकंदरा गांव बसाया था। तो गाइज, हमने एंट्री टिकट ले ली है जो 25 रुपीज़ की है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कांच महल है। तो चलिए अब आपको कांच महल की बिल्डिंग दिखाते हैं। 1605 से 1619 तक बना। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी इमारत को 14 साल लग गया। तो 14 साल इसलिए लगा कि जो जहांगीर थे अकबर के बेटे, वो जब ड्रिंक करते थे, जब भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, वो सिर्फ 1 से 2 घंटा ड्रिंक करते थे। अपने सामने यहाँ पर ये कांच महल बनवाया था उन्होंने ड्रिंक करने के लिए। गाइस, सुरई और गिलास बने हुए हैं, बाहर आप देख सकते हैं डिज़ाइन सारे। ड्रिंक करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट, जो जो यूज़ होते थे, गिलासेस, प्लेट्स, उन सब की कारीगरी इस कांच महल के बाहर की जाती है। और आप ऊपर एक ब्लू कलर का झूमर सा देखेंगे, वो ब्लू झूमर जब फुल मून लाइट होता था, जब चमकता था, तो बहुत सुंदर लगता था। आज तो यहाँ पर कुछ नहीं है, उनके इतने साल हो गए उन्हें मरे हुए। तो चलिए देखते हैं अंदर और कैसा है ये। एक आंटी यहाँ बैठी हैं, वो हमारी मदद करेंगी और बताएंगी इस कांच महल के बारे में। तो जब जहांगीर आता था, जिसमें सारे शीशे लगे थे, शीशे लग के पर्दा डर जाते, जब जहांगीर लाल किले से आता था शिकार खेलने के लिए, तो यहीं रेस्ट करता था। रानियों के साथ आता था तो यहीं रुकता था, आराम करता था, शाम को वापस लाल किले जाता था। अच्छा, ये जहांगीर का रेस्ट रूम है, वो सामने दिख रहा है, वो टूट गया है, वो सिकंदर लोदी में है, वो सबसे पुरानी बिल्डिंग है। 3 वाइफ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन बीवी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, दिल्ली वाले रोड पर। जोधाबाई 10 किलोमीटर दूर है आगरा में, हवाई अड्डे के पास। अच्छा। जला के उसकी छतरी बनाई है। बाकी हिंदू धर्म भाई थे, उसको लाल किले में मंदिर बनवाया था कृष्ण भगवान का। तो गाइस, मेरे ठीक पीछे हैं जहांगीर गेट। इस गेट का तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे किया गया। सबसे पहले आप छोटा सा गेट देख सकते हैं। ये गेट क्यों बनाया गया है, इसके पीछे बहुत ही रोमांचक हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एक्चुअली क्या था, जो हमारे अकबर थी ना, तो उनकी हाइट कम थी, 5 फीट के थे। तो लोग उन पर हंसते थे, जनरली लोगों उस टाइम लोगों की हाइट होती थी 6 फिट 7 फिट 8 फिट, तो वो बहुत छोटे थे। तो बीरबल ने बोला कि मैं ऐसा गेट बनाऊंगा ताकि जब लोग अंदर आएंगे आपके मकबरे में, तो वो झुक के आएंगे, क्योंकि उन्हें उनकी हाइट के झुकना पड़ेगा। तो बीरबल बहुत तेज था, तो बीरबल ने इस गेट को डिज़ाइन किया। ऐसे गेट आपको पूरे मकबरे में 2-3 देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम भी सर झुकाते हैं, अंदर चलते हैं। तो गाइस, हमारे जो अकबर थे ना, उन्होंने 3 शादियां की थी, उनकी 3 वाइफ थी। तो बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है अकबर की,
उन्होंने तीन मजहब की लड़कियों से शादी करी थी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। अकबर ने तीनों वाइफ के लिए अपना लव सिंबल्स यहाँ बनाए हैं कि वो उन्हें कितना प्यार करते थे। आप जो देख रहे हैं येलो और ब्लैक में, वहाँ पर एक स्वास्तिक बना हुआ है, अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो वो था हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वाइट मार्बल में आपको उर्दू दिखाई दे रही होगी और नीचे क्रॉस बने हुए हैं, वो ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ बनाए हैं। तो तीनों तरीके के लव सिंबल्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम इस गेट के अंदर चलते हैं। गेट देख सकते हैं, फ्रंट और बैक गेट यहाँ पर सारे सेम बने हुए हैं। अब आप मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड पार्क देख रहे होंगे, 25 एकड़ में ये पार्क बनाए गए हैं। टोटल एरिया 191 एकड़ है यहाँ का, अकबर टॉम जो बनाया गया है। 4 पार्क्स हैं, ईच 25 एकड़ में बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, अभी तो मंकीज हैं यहाँ पर, लेकिन उस टाइम में यहाँ पर हिरन होते थे, मोर होते थे। टोटल 300 हिरन थे और आपको बहुत सारे मोर देखने को मिलेंगे। अगर मुझे देखने को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर कैप्चर करूँगी उस मोर को। तो आप ये टैंक देख पा रहे हैं, इस टैंक की भी एक हिस्ट्री है। टोटल 8 टैंक्स हैं यहाँ पर, हर गेट के पास 2-2 टैंक्स हैं। यहाँ पर पहले गुलाब की खेती की जाती थी, तो इस टैंक में रोज़ पेटल्स डाल के वो लोग गुलाब जल बनाते थे। जब भी किसी की डेथ होती थी तो उन्हें दफनाने से पहले उन्हें फ्रेश किया जाता था इस रोज़ वाटर से। तो गाइस 1605 से 1613 में ये बना था, 16th century में। तो अकबर ने अपनी डेथ से पहले ही से डिजाइन कर लिया था कि कैसे मेरा मकबरा बनेगा मेरे मरने के बाद। तुमको इतना कैसे पता है, पढ़ के आई हो क्या इतना कुछ? वैसे तो तुम आगरा के हो, पर ज्यादा मुझे पता क्योंकि मैं स्टडी करके आई हूँ पूरी। गाइस जहाँ भी जाते हैं आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अकबर बहुत ही इंटेलिजेंट था, जिसने मरने से पहले ही पूरा प्लानिंग की थी, पूरी प्लानिंग कर ली थी कि क्या करना है, कैसे करना है, उनके परिवार का वंश को कहाँ दफनाना है। मैंने पहली बार सुना है कि इस तरह का कोई मुग़ल एम्पायर था जो ऐसी एक्टिविटी करके गया है कि बिफोर डेथ उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि उनकी फैमिली से जिनकी भी डेथ होगी उनका मकबरा इसी बिल्डिंग में बनेगा, इसी मॉन्यूमेंट में बनेगा। अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया बिकॉज उनकी डेथ पहले ही हो गई थी, लेकिन उनके बेटे जहांगीर ने इसे बनवाया। गाइज अब हम जा रहे हैं मेन जो मकबरा, अकबर का मकबरा है, उसके अंदर हम जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात और बता दूं, यहां पर उन्होंने 44 मकबरे का स्पेस बनाया था। उनकी एक विश थी कि जो भी मेरी फैमिली से जिनकी भी डेथ होगी उनका मकबरा यहां बनवाया जाएगा, लेकिन उनकी विश ये पूरी नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं लेफ़्ट में भी 5 है, राइट में भी 5 है, इसी तरीके से पीछे भी हैं, तो टोटल 44 हैं। यहाँ पर 4 मकबरे फिल हैं और आज भी 40 स्पेसेस जो हैं वो फ्री हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कर दो, अब आई गए हो, देख रहे हो, सुन रहे हो तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। तो ये आप मकबरा देख रहे हैं, ये जहांगीर का मकबरा है।
उनकी डेथ के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था। गाइस, जिस स्टोन के ऊपर मैं खड़ी हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, वहीं मकबरा है। और जो मैंने आपको चार मकबरे दिखाए हैं, तो ये इन्होंने 7 फीट गहरे बनाए हैं मकबरे की स्पेस के लिए। मैं यहाँ पर क्लैपिंग करूँगी तो आवाज़ पूरी इको होएगा, आवाज़ पूरी गूंजेगी। गाइस, ये जो हम छत देख रहे हैं, ये पान के चूने से बनी हुई है। उस टाइम बहुत ही मजबूत छत बनाई थी, और अभी भी जितनी बार बारिश होगी कमज़ोर नहीं होंगे, ये और मजबूत होते जाएंगे। अब भी आप जो डायमंड शेप देख पा रहे हैं, ये उस टाइम के लिए टेलीफोन का काम करते थे। अगर आप इस कॉर्नर से बोलेंगे तो उस कॉर्नर पे डायगनली जो आमने सामने कॉर्नर्स हैं, बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई देगी। गाइज, आप देख सकते हैं पूरा मॉन्यूमेंट एक सिमेट्री में बना हुआ है। चाहे आप उसको फ्रंट से देखें, बैक से देखें, सब कुछ एक जैसा लगता है। और हर दरवाजे पे वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाए थे। स्वास्तिक है, उर्दू है, और क्रिश्चियंस के लिए बना हुआ है क्रॉस। एंड अकबर की जो हिस्ट्री है वो बहुत यूनिक हिस्ट्री है। अकबर इज़ वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ मुगल एम्पायर, बहुत ही फेमस राजा था। यूनिक हिस्ट्री है, शादी करना 3 वाइफ से, तीनों अलग अलग मज़हब की गर्ल्स चूज़ करना, और उनके लिए मकबरे बनाना अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है अपनी फैमिली के लिए। उनका लव अफेक्शन यहाँ पर हमें दिखता है। तो गाइज, आपको कैसा लगा अकबर टॉम, अकबर का मकबरा, और सिकंदरा की जर्नी आपको कैसी लगी? ये व्लॉग आपको पसंद आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और जल्दी से जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल रिप्लाई बैक।